नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं आपके समक्ष महाभारत काल की एक घटना को सुनाने जा रही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन बैठे हुए थे और आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से पूछा कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण है। ये सुनकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा था कि श्री कृष्ण उत्तर देंगे कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा दानी है। श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात को समझ गए। वो एक दिन अर्जुन के साथ कर्ण के महल में गए और कर्ण से कहा कि हमें एक यज्ञ करना है और उसमें सिर्फ चंदन की लकड़ियां ही चाहिए। बारिश के दिन थे। कर्ण ने सब जगह आदमियों को दौड़ाया कि कहीं से चंदन की लकड़ी मिल जाए, लेकिन बारिश के दिनों में चंदन की लकड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल काम था। तब कर्ण ने अपने महल के अंदर जितने भी पलंग थे, जितने भी दरवाजे थे जो कि चंदन से बने हुए थे, सभी को तोड़ दिया और उन लकड़ियों को श्री कृष्ण के सामने रख दिया कि प्रभु आप इनसे काम चला सकते हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर युधिष्ठिर के पास गए और उनसे भी वही कहा कि एक यज्ञ करना है और वहाँ पर चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने भी सब जगह आदमियों को दौड़ाया लेकिन कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हमें बारिश रुकने तक का इंतजार करना पड़ेगा, तभी हमें चंदन की लकड़ियाँ मिल सकती हैं, सूखी चंदन की लकड़ियाँ जो कि यज्ञ के काम में आएंगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखा, मैंने क्यों कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा था, क्योंकि उसने किसी भी चीज की परवाह किए बिना कि चंदन की लकड़ियाँ कैसे कहाँ मिलेंगी, अगर नहीं मिली तो उसने अपने महल की सारी चीज़ों को तोड़कर मेरे सामने ढेर लगा दिया। तो बस यही फर्क है युधिष्ठिर और कर्ण की बातों में, इसलिए मैंने कर्ण को सबसे बड़ा दानी कहा।